लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल सहित सांसद एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर एकात्म परिसर में बैठक हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को नया दायित्व सौंपा गया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की निगाहें उन पर है और आने वाले लोकसभा चुनाव में और ज्यादा सक्रिय रहेंगे। 11 लोकसभा सीटों की तारीख तय हो चुकी है। साथ ही यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिलेगा। साथ ही 90 विधानसभाओं में अलग अलग सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद प्रभारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। चुनाव के कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं और चुनाव के कार्यक्रम के साथ 11 लोकसभा के दृष्टि से तारीख तय हो चुके हैं। अब हमारा 90 विधानसभाओं में अलग अलग हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, प्रभारी और उस क्षेत्र के लोग 90 विधानसभा में जाएंगे और एक एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। 11 अलग अलग वरिष्ठ लोगों की टीम बनेगी, तीन तीन लोग रहेंगे और सभी लोग जाकर एक एक विधानसभा में अपनी बात कहेंगे और लोकसभा के दृष्टि से कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कार्य योजना के बारे में बात करेंगे। भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि सभी विधानसभाओं में सम्मेलन रखा जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि ज्यादा वोटिंग करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। स्वीप एक्टिविटी होगी तो लोगों के लिए प्रेरित करेगी। वोटिंग के द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। कि जो बैठक में हमारे सभी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होने हैं, उसके साथ निचले स्तर में हमारे मंडलों के भी पूरे वहां पर सम्मेलन वगैरह की रूपरेखा तय की गई। उसके आधार पर भी चुनाव की दृष्टि से सभी हमारे प्रमुख 13-14 प्रमुख रूप से सभी हमारे प्रमुख लोगों के एक हमारे सभी अलग अलग से प्रभारी बनाए गए हैं। उसके माध्यम से सब लोकसभा में जा करके एक बैठक चुनाव के तैयारियों की दृष्टि से पूरा एक मतलब कहने की बैठक रखा गया। उसके बाद सभी विधानसभाओं में एक सम्मेलन रखा गया है जहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद निचले स्तर मंडलों में भी होगी। इस प्रकार से पूरे कार्यक्रम की रचना बनी है, जिसके माध्यम से पूरे अभी 13-14 की बैठक के बाद 15 से लेके 21 के बीच अधिकतर सम्मेलन होने वाले हैं, इसकी पूरी एक तैयारी की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की अध्यक्षता में भाजपा की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और नए प्रत्याशियों को मौका मिल सके। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ रीचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।